मध्य प्रदेश में पूरे देश के मुकाबले सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल बिक रहा है। वहीं पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को लेकर उपभोक्ता भी परेशान होने लगे हैं। इसे लेकर क्या कहा लोगों ने, लोगों की राय आपको आगे सुनाते हैं। जिस हिसाब से महंगा हो रहा है उस हिसाब से होना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका जो मतलब जो जिस हिसाब से इसका परसेंटेज बढ़ रहा है, यानी कि उसकी कीमत की दर बढ़ रही है, वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। 100 रुपये लीटर जो पेट्रोल 100 रुपये से ज़्यादा हो गया, यानी कि उसका उसका मूल्य 100 रुपये से कम होना चाहिए पेट्रोल के पर, क्योंकि पर जो लोगों को ये बड़ी एसेंशियल कमोडिटीज़ में आती है, मतलब लोगों को अपने साधन इकट्ठे करने के लिए इनका उपयोग करना पड़ता है, इसलिए पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल करना चाहिए किसी भी तरह। महंगाई हो रहा हो तो सरकार ही कर रही है, सस्ता करवाना चाहिए। सरकार को ही मानेंगे, मोदी सरकार को। पेट्रोल इतना महंगा हो रही है कि गाड़ी नहीं चल पा रही, हम तो पुताई वाले हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। 50 का पेट्रोल 450 रुपये हाजिरी कमाते, वो 400 भी नहीं पड़ती हमें तो। बस भैया पेंटिंग का काम करता हूँ भैया मैं, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। 106 रुपये लीटर के आसपास तेल हो गया, लेकिन तेल तो हो चुका है, हमारी गरीबी तो वहीं की वहीं है। काम धंधे 2 महीने से नहीं चल पा रहे, राशन पानी राशन कार्ड है नहीं तो कहाँ से क्या कर लेंगे। यही कहानी है भैया, अब क्या बताएं, मोदी सरकार तो ऐसी है टिच्ची वाली। पेट्रोल जो महंगा हो रहा है लगातार, आज फिर महंगा हो गया है, क्या कहोगे इसके बारे में, सरकार से क्या मांग करोगे? फिलहाल अभी तो देखते हैं क्या होता है, फिर देखा जाएगा, अगर ज़्यादा बढ़ा तो फिर तो रोड पे खड़ा होना ही पड़ेगा। क्या नाम है? मेरा शुभम बालरी है। कौन सी न्यूज़? इंडिया न्यूज़। पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, पिछले 24 घंटे में फिर से 24 पैसा महंगा हो गया है भोपाल में पेट्रोल। आज की ताज़ा कीमत मैं आपको बताता हूं, एक पेट्रोल पंप से मौजूद हूं मैं, 104 रुपये 29 पैसा हो गया है। जो पेट्रोल भोपाल में कल 104 रुपये 5 पैसा प्रति लीटर था, वो आज 104 रुपये 29 पैसा, यानी 24 घंटे में 24 पैसे इसका रेट बढ़ गया है। लोगों में भारी गुस्सा भी होगा, जाहिर है लोगों से ही जानते हैं। आप बताइए, पेट्रोल लगातार बढ़ रहा है, क्या मांग? हम तो सर ये है कि 1.5-2 साल से तो परेशान कोरोना में है, न काम धंधा लग रहा, न कुछ लग रहा। दूसरी बात, अगर सरकार पेट्रोल कम कर दे तो बहुत अच्छी बात है, बस यही चाहते हैं हम लोग। और भी लोगों से पूछते हैं जो पेट्रोल डलवा रहे हैं। भैया आप बताइए, पेट्रोल लगातार महंगा हो रहा है, आपने जो पेट्रोल डलवाया है वो 24 पैसे फिर महंगा हो गया है। यार भाई साहब, मुझे इतना टाइम नहीं है यार भाई साहब, सरकार से कुछ मांग करोगे? नहीं नहीं, मेरे को अभी इतना टाइम नहीं है साहब। कुछ और लोगों से रिएक्शन जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सवेरे का समय है, यहाँ लोग आ रहे हैं लगातार, ऑफिसर्स का समय, ऑफिस जा रहे हैं लोग। मैम आप कुछ बोलेंगे, ये पेट्रोल की प्राइस जो हाइक हो रही है, लगातार बढ़ रही है, क्या कुछ किसके लिए जिम्मेदार मानते हैं आप, इतना तो बताएं? नहीं, मैं इस समय कुछ नहीं बोल सकती। आप बताएंगे सर, किसके लिए जिम्मेदार मानते हैं पेट्रोल लगातार महंगा हो रहा है, और क्या मांग करेंगे सरकार से? जिम्मेदार तो कोई नहीं है, जो ये रफाल से आ रहे हैं और ये जो कोविड टेस्ट हो रहा है, सरकार इसी से तो पैसा निकालेगी। अब धीरे धीरे कम होगा चीज़ें, बस यही है। डिमांड करेंगे आप, क्योंकि पैसा तो आपकी जेब से ज़्यादा जा रहा है। जा रहा है, अब धीरे धीरे सरकार चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं तो कम जाएंगी, ऐसे कोई अपोज तो कर नहीं रहा अभी तक सरकार, आम लोग समझ रहे हैं, अब धीरे धीरे चीज़ें कम होंगी। तो लोगों का रिएक्शन अलग अलग है, भले ही सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को इसका जिम्मेदार मान रहे हैं, लेकिन सबकी एक सूत्र में यही मांग है कि सरकार को पेट्रोल डीजल के दाम को कंट्रोल करके उनके दाम कम करना चाहिए। कैमरा पर्सन अरविंद साहू के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज़ भोपाल। अनूपपुर जिले में देश का सबसे महंगा पेट्रोल बिक रहा है। आज अनूपपुर जिले में पेट्रोल की कीमत 107 रुपये 7 पैसे और वहीं डीजल की कीमत लगभग 98 रुपये 11 पैसे रह गई। जनता महंगा पेट्रोल खरीदने को मजबूर हो रही है, इसको लेकर के क्या जनता की प्रतिक्रियाएं हैं, सर आपको दिखाते हैं। अनूपपुर में पेट्रोल और डीजल के भाव लगातार बेतहाशा बढ़ रहे हैं। कल पेट्रोल की कीमत 106 रुपये 79 पैसे थी, आज वही कीमत 107 रुपये 7 पैसे हो गई है। वहीं डीजल जो है लगभग 98 रुपये के टॉप पार कर चुका है। इस बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई जो है वो आम जनता के जेब को भारी पड़ रही है। जो क्या राय है अनूपपुर की जनता की, उसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे पास एक कस्टमर है, क्या कहना चाहेंगे आप?
यही कहना चाहेंगे सर, देख लीजिए कितना रेट बढ़ रहा है और शासन को कुछ करना चाहिए। और जो शहडोल में वहाँ 104 रुपये है, अनूपपुर में 107 रुपये है, एक ही स्टेट में दो जगह अलग अलग रेट हैं। ये पॉलिसी कुछ जनता को समझ में नहीं आ रही कि लुटाई चल रही, क्या चल रहा है। क्या जो रेट लगातार बढ़ रहे हैं, खासतौर पे अलग अलग राज्यों में, छत्तीसगढ़ में लगभग जो है वो 10 रुपए का अंतर है, उस पर मध्यप्रदेश सरकार से क्या कहेंगे? मध्यप्रदेश सरकार की नाकामी है, सरकार अपना वेट टैक्स कम करे, एमपी का जो वेट टैक्स है उसको कम करके पेट्रोल को थोड़ा कंट्रोल कर, क्योंकि उसी से तो पूरी चीज़ें चलती हैं, अगर उसी की वजह से तो महंगाई बढ़ेगी। बिल्कुल, हमारे पास और भी कस्टमर्स हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर क्या कहेंगे पेट्रोल डीजल का जो रेट है, आप क्या कहना चाहेंगे? आपने भी तेल डलवाया है, उस पर क्या कहेंगे आप? ये टैक्स बहुत ज़्यादा है यहाँ का, अनूपपुर का तो कम करना चाहिए। अनूपपुर कम भारत में सबसे महंगा तेल है, गर्व महसूस होता है आपको? नहीं सर, कम करना चाहिए वेट टैक्स यहाँ का, क्योंकि एमपी में शहडोल और अनूपपुर का सबसे ज़्यादा वेट टैक्स है यहाँ पर, जबकि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में काफ़ी कम है। तो वैसे कम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा दाम बढ़ चुके हैं। बिल्कुल वेट टेस्ट को लेकर के जो जनता है उनका ये कहना है अक्सर कि उसे कम करना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, उनका क्या कहना है कि क्या कहेंगे भारत सरकार का जो टैक्स है उसके बाद मध्यप्रदेश सरकार का टैक्स, दोनों को लेकर के आप की राय क्या है? नहीं, अलग अलग राज्यों में सभी जगह वेट टैक्स अलग अलग है, इसमें खासकर एमपी का बहुत ज़्यादा है। कारण क्या है, इसका तेल का रेट बढ़ता जा रहा है। यहीं अनूपपुर में देखिए 107 रुपये 7 पैसे हो गए, जबकि जैतारी में 106 रुपये कुछ पैसा बता रहा है। और जबकि अन्य राज्यों में जैसे सीधी हो गया अपना और यूपी हो गया, यहाँ पर कम से कम 10 या 12 रुपए का, तो अपने राज्य सरकार को यही करना चाहिए कि इसका वेट टैक्स या अन्य टैक्स घटाएं, जिससे नागरिकों के ऊपर इसका लोड ना पड़े। बिल्कुल, लगातार जनता की मांग यही हो रही है कि वेट टैक्स को कम करना चाहिए। देखते हैं जनता की मांग पर मध्य प्रदेश सरकार कब नींद से जागती है और आम जनता को इस बढ़ते हुए महंगाई से जो है वो निजात मिल पाती है। इंडिया न्यूज़ के लिए अनु